वेट, हम फिर से पीछे जाते हैं, वेट अ मिनट, कंट्रोल डी। सो हम इसे कंट्रोल डी कर देते हैं, हम लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, हम सिर्फ ये सिलेक्ट, वेट, हम कंट्रोल डी करते हैं गाइस, फिर से हम मैजिक वन टूल पे जाते हैं, हम ये वाइट कलर को चूज करते हैं, देन इसके अंदर जो हमें नहीं चाहिए सिलेक्शन, उससे हम क्विक सिलेक्शन में जाके माइनस में जाके देन इसे हम कट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, देन उसके बाद नीचे का भी ऐसा ही कीजिए, ये हट गया। ओके सो अब हमें बहुत आसान होगा रफ करने में बैकग्राउंड, सो हम इजीली अब हम रफ कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, सो अब हम ऐसा स्मार्टली से रफ कर सकते हैं। सो अब कंट्रोल डी कीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ मैं सिलेक्शन हटाने के लिए, डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी, अब जो इसका बॉर्डर है, सो हम बॉर्डर को भी ऐसे डिलीट कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, ब्रश को छोटा कीजिए, ओपन ब्रैकेट से जो ब्रैकेट का ऑप्शन है उससे, सो ये हो गया। अब इसे कंट्रोल टी कर लेते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे अरेंज कर लेते हैं, ये अरेंज कर लिया। अब इसी का एक सिलेक्ट करके क्विक सिलेक्ट पे जाके इसी को हम वेट, हम एक हमें एक अब हो गया सही। सो अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन क्विक सिलेक्शन से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया सिलेक्ट, इसे थोड़ा छोटा करते हैं, ये हो गया सिलेक्ट, देन उसके बाद कीजिए कंट्रोल सी मतलब कॉपी, देन उसके बाद सिलेक्शन डी, आई मीन डी सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से सिलेक्शन हट गया, देन उसके बाद कंट्रोल वी, सो एक दूसरा बॉटल आ जाएगा, देन उसके बाद इसे थोड़ा सा टिल्ट कीजिए एंड थोड़ा सा छोटा कीजिए थोड़ा सा, देन उसके बाद यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, हाँ इतना अरेंज कर दिया बस, सो एंटर कीजिए, देन उसके बाद अब क्या करना होगा, इसे अच्छे से अरेंज कर लीजिए गाइस, अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें ब्रश में जाना होगा, एक लेयर ले लेते हैं, लेयर ले लिया, अब लेयर में जाने के बाद हम ब्रश में जाते हैं, ब्रश में जाने के बाद वाटर इफेक्ट के ब्रशेस भी मैंने डाउनलोड किया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे डाउनलोड करते हैं वाटर इफेक्ट के ब्रशेस, सो यहाँ पे मेरे पास तो पहले से ही है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे वीडियोस प्लीज़ देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड करते हैं ब्रश। सो गाइस ये मैंने ले लिया ब्रश वाटर इफेक्ट का, अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देन इसके हिसाब से देन हम ये रहा हमारा वाटर इफेक्ट। सो अब क्या करना होगा, सो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें ये अरेंज करना होगा, शिफ्ट बटन दबाइए, देन सेलेक्ट कीजिए सबको, देन सॉरी साइज, पहले तो हम बॉटल की साइज जो है कंट्रोल, देन उसके बाद ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई कीजिए, कंट्रोल ई करने के बाद बॉटल को जितना चाहिए उतना छोटा कीजिए,
देन लेयर, देन एंटर कीजिए, देन लेयर टू पे जाइए एंड थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, देन शिफ्ट पकड़िए, लेयर टू पे क्लिक कीजिए, लेयर वन पे क्लिक कीजिए, देन कीजिए कंट्रोल ई, कंट्रोल ई हो गया, देन उसके बाद इसे अब अरेंज कर सकते हैं हम अपने तरीके से। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अरेंज करते हैं, इंटर कीजिए, देन उसके बाद यहाँ से थोड़ा मैस लग रहा है। सो अब क्या करना होगा, ये मैस को हटाने के लिए हमें 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 लेयर मार्क्स लेना होगा, देन उसके बाद ब्रश ले लेते हैं। ब्रश लेने के बाद हम ब्रश को सॉफ्ट ब्रश लेते हैं, देन उसके बाद इसे छोटा करते हैं, थोड़ा सा इसे सिर्फ थोड़ा सा सही कर देते हैं। देन उसके बाद इसे अब अरेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, चाहिए तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसे इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए एंड देखिए ये लग रहा है अब अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पे, देन उसके बाद स्टूल पे इसको बड़ा कीजिए थोड़ा सा, देन ये हो गया परफेक्टली। देन उसके बाद हमें चाहिए तो हम इसे शिफ्ट पकड़ के देन सेलेक्ट करके हम कंट्रोल ई दबाएंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके एरो के नीचे वाले बटन दबाएंगे, यहाँ से हमारे इफेक्ट चेंज होंगे, यहाँ से कुछ कुछ ऐसा भी होगा। सो हम इसे नॉर्मल पे रख देते हैं, नॉर्मल ही बेस्ट है। सो गाइस अब यहाँ पे फाइल में आइए, सेव कीजिए, सेव करने के बाद सेव कीजिए। देन गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।